क्या नाम है सर आपका? मनप्रीत सिंह भंडारी, 43 इयर्स का। तो मंत्री जी, आप दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और पुरुष आयोग समन्वय समिति के तहत इस साल यहाँ पे धरना हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? सर, आज गांधी जयंती है, सबको पता है 2 अक्टूबर है। मन तो था कि घर बैठे परिवार के साथ प्रशिक्षण ले रहे हैं, बट परिवार हमारा दूसरा है। पुरुष आयोग की हम डिमांड इसलिए कर रहे हैं, पहली बात बहुत बहुत शुक्रिया सरकार का, पिछली सरकारों का भी, कि उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के बहुत प्रावधान रखे हैं। बहुत सारी एसोसिएशन बनाई है, WCG मिनिस्ट्री बनाई है, कानून बनाए हैं, पर जब पुरुष के ऊपर कोई अत्याचार होता है उसके पास ऐसे मंचों के अलावा जाने के अलावा और कोई जगह नहीं है, कानून में कोई प्रावधान नहीं है। तो मैं यहाँ एज अ पुरुष अपने हक के लिए भी लड़ने आया हूँ और अपने बच्चे और अपने माँ बाप के लिए भी हक के लड़ने के लिए, कि 7 साल हो गया ना मेरा बच्चा मुझसे मिला ना मैं उससे मिला, उसका भी हक है, माँ के साथ रहा मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बीवी चाहे अच्छी पत्नी नहीं बन चुकी, एक अच्छी माँ है, बट बच्चे का हक अपने पिता से मिलने का भी है, दादा दादी से भी मिलने का है। ऐसी कौन सी घटना घटी जो आपके साथ ये हादसा हुआ? सर, ये सबसे बड़ी दुर्घटना है जो आज की डेट में हजारों पुरुषों के साथ इंडिया में हो रही है। अभी आपने लेटेस्ट 375 भी देखी होगी मूवी। खैर, मेरे ऊपर जो है वो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है सर। सितंबर का ही टाइम था, रविवार का दिन था, बीवी ने मेरे ससुराल से अपने मायके से घर वापस आना था। मेरा मन था कि 1 बजे उसको पिक्चर दिखाने ले जाऊंगा, उससे पहले बच्चे को मैकडॉनल्ड ले जाऊंगा, पर 11:30 बजे ही हमें पुलिस अरेस्ट करने आ गई। और जब मैं राइट करा, मैंने भी उनके ऊपर डाउरी प्रोविजन एक्सेप्शन 3 डाला, जिस तरह दहेज देना क्राइम है, लेना क्राइम है, दहेज देना भी क्राइम है। मैंने तो मांगा नहीं था, उन्होंने बोला, उन्होंने दिया है, उस बेसिस पे मैंने केस डाला सर। उस दौरान नौकरी गई, माँ बाप को डिप्रेशन हो गया। मैडम, एक्चुअली आप यहाँ जितने 500 लोगों को देख रहे हैं, कुछ को तो आज तक नहीं पता कि हुआ क्या था, क्योंकि हम बहुत प्यार से खुशी से नौकरी पेशा लोग हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, हंसी खुशी बीवी के साथ रह रहे थे, बच्चों के साथ रह रहे थे। सडनली उन्होंने क्या हुआ, उसकी मंशा शायद एलिमनी में पैसा कमाने की होती है, कुछ शायद किसी रूप से मिसगाइड की जाती है, शायद देखिए जो हस्बैंड वाइफ है ना, उनका रिश्ता एक दोस्त की तरह होता है, आपस में मन मुटाव होते ही होते हैं, कुछ बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर उस मन मुटाव में आग में घी डाल के परिवारों को खराब करते हैं। उसमें देखिए एक चीज बहुत अच्छी है, 498 डोमेस्टिक वायलेंस स्त्री की प्रोटेक्शन करता है, जिसको टॉर्चर हुआ है, मैं आज तक उस चीज के लिए खड़ा होता हूँ, मेरी बहन के ऊपर हुआ है। बट कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली जो 500 लोग को भी खड़े हैं, मैं उनमें से एक हूँ, कुछ फीमेल्स उसको मिसयूज करती हैं। और हमारी डिमांड महिला आयोग के लिए नहीं है, हम तो चाहेंगे महिला आयोग और स्ट्रांग बने और अच्छी काउंसलिंग करे। मैम, ये लास्ट ईयर भी हुआ था और पुरुष डिफेंस कमीशन की, पुरुष आयोग की पिछले ऑलमोस्ट 10 साल से डिमांड चल रही है, आज तक सरकार के कान में कुछ नहीं रही। मैम, हर साल हजारों पुरुष आत्महत्या करते हैं। मैम, हम सरकार से यही डिमांड करते हैं, जिस तरह 498 या डोमेस्टिक वायलेंस बना है, कि पत्नी पति पे केस करके न्याय मांग सके। अगर वो चीजें घर में सुनी हुआ, पति भी पुत्र भी अपनी पत्नी या माँ पे या बीवी पे केस कर सके, ये हमको शोषण कर रही है, ये हमें टॉर्चर कर रही है, वो भी न्याय की डिमांड कर सके, क्योंकि हमें न्याय मिलता नहीं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा प्रूफ है, हर साल हजारों पुरुष आत्महत्या करते हैं, जिसमें more than 85% मैरिड मैन है। मैम, 85, मैम अगर 1,30,000 लोग, पहली बात बहुत दुख की बात है, दोनों आत्महत्या करते हैं। मैम, अगर 1,35,000 आत्महत्याएं होती है, 90,000 मैम, आप एक बात आप इनके बता दीजिए, आज की डेट में पिछले 5 साल में कितने केस हैं? आप खुद मीडिया ट्रैकिंग कंपनी, आप मेरे से बेहतर जानती हैं मैम, आपको इतने केस मिल जाएंगे जहां पर नवजात शिशुओं को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से उनकी माताएं मार रही है, क्यों? बच्चा उस बीच में आ रहा है। हम ये नहीं कह रहे माता को माता होगी, वो इंसान बुरा है मैम, ठीक है। ऑल सेट एंड डन, रिश्तियों का रेप होता है, 376 है, उनको छेड़ा जाता है, उसके लिए 354 है, दहेज मांगा जाता है, 498 है, बीवी को पति पैसा नहीं देता, नौकरी नहीं करने देता, डोमेस्टिक वायलेंस है, हम कहा जाए, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, आत्महत्या कर लें या पागल खाने जाएं या जेल के अंदर कोर्ट हमें डाल दे, क्योंकि ना हमारे पास आज मैंने प्रेस नोट मैम, हमने डेफिनेटली WCD को ईमेल भी लिखी है, लेटर भी भेजी है, PMO को भी भेजा है, उसके अलावा सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को भी भेजा है, और लॉ मिनिस्ट्री को तो रेगुलर आज आप देखेंगे यहाँ पर आसान हो, यहाँ से हमारे वो जा रहे हैं पत्र, ये सारे के सारे PMO होम मिनिस्ट्री और जुडिशरी को जाएंगे। थैंक यू जी, हम यहाँ पे बैठा हुए हैं, हमारा नाम है जीत दुबे। कहाँ से आए हैं? प्रयागराज, यूपी। क्या हुआ आपके साथ जो यहाँ आना पड़ा?
ये मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है, हमारा ये जो आपका महिला कानून है, महिला कानून का बढ़ते दुरुपयोग हो रहा है, उस दुरुपयोग को रोकने के लिए हम लोग यहाँ पे सभी इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पे हम लोग इकट्ठा हुए हैं। अब यहाँ पे जो महिला कानून है, किस तरह से दुरुपयोग होता है, वो वकील दुरुपयोग करें चाहे महिलाएं भी उनको दुरुपयोग करें, दुरुपयोग हो रहा है, उसको प्रोटेस्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। एक मिनट, थोड़ा आईडी ऊपर, क्या नाम है सर आपका? योगेंद्र सिंह जोगी। तो आज यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पे फैमिली ऑफ, तो क्यों आना पड़ा सर यहाँ पर? देखिए, सबसे पहली बात कि जिस देश में देश की बैकबोन रीढ़ की हड्डी कर्मयोगी मर्द को इंसान ही नहीं गिना जा रहा, पहले तो हमारी लड़ाई हमें इंसान गिना जाए, हम बराबर के इंसान हैं। और जिस देश में डेमोक्रेसी के नाम पर मेरा भाई बोल कर गया कि महिला अधिकार, महिला कानून, मैं इस बात को थोड़ा और क्लियर करता हूँ, क्योंकि ये महिला कानून भी नहीं है। महिला तो हमारे घर में पति की माँ, पति की बहन, उसकी दादी, चाची, ताई, नानी, बुआ, मासी, ये भी औरतें हैं। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ उस बहू के हक में कानून है जो कानून का जब चाहे बलात्कार करती है, जब चाहे कानून को अपनी मर्जी से मोड़ती है, जब चाहे अपनी मर्जी से कानून को तोड़ती है। आज देश में नीचे से लेकर ऊपर तक राष्ट्रीय स्तर पर महिला आयोग, वेलफेयर मिनिस्ट्री फॉर विमेन, वेलफेयर मिनिस्ट्री फॉर चिल्ड्रन, नेशनल कमीशन फॉर चिल्ड्रन, नेशनल कमीशन फॉर एनिमल, और यहां तक कि ये जो पेड़ पौधे, ये कुदरत है हमारी, वातावरण, इनके लिए भी कमीशन है। लेकिन देश में ये नहीं कभी गिना जाता कि मर्द को भी दर्द हो सकता है। हमारा देश पुरुष प्रधान देश है, तो पुरुष आयोग की क्या हो सकता है? सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा पाखंड और सबसे बड़ा दंभ, सबसे बड़ा धोखा यही है कि ये पुरुष प्रधान देश है। अगर आप सुसाइड को ही पैरामीटर गिन ले विक्टिमाइजेशन का, साल में 34,000 सुसाइड औरतों के, 96,000 पुरुषों के, तो क्या पुरुषों को शौक है या फैशन है सुसाइड करने का? सीधी बात है, किसी देश के किसी भी कोने में किसी औरत के साथ कोई घटना होती, चाहे झूठ हो चाहे सच हो, सैकड़ों लोग मोमबत्तियां लेकर निकलते हैं उसके न्याय के लिए। और सच में अगर औरत विक्टिम है तो हम भी उसके पक्ष में हैं। लेकिन जब विक्टिमाइजेशन की बात आदमी की आती है, मर्द की आती है, तो कोई सड़कों पर नहीं आता। जब पति परिवार से उसकी बहन सुसाइड करती है, कोई नहीं आता। जब पति परिवार से उसकी माँ सुसाइड करती है, जेल में ही मर जाती है, कोई बाहर नहीं आता सड़कों पर। ये दोगली सोच है हमारे समाज की, जो हमारे दिमागों के अंदर घुस चुका है, फेमिनिज्म, जनानावाद, उसको दूर करना पड़ेगा। सबसे पहले तो देश को ये परिभाषित करना पड़ेगा कि औरत है कौन, क्या सिर्फ बहू औरत है, या मेरे घर में मेरी माँ बहन या कोई और अन्य जो औरतें, वो क्या औरतें नहीं है? तो हमारी ये मांग कि अगर महिला के साथ कोई दुर्घटना होती है तो वो अपने कमीशन के पास जाती है, बच्चे के साथ होती तो बच्चे के लिए जाते हैं, अगर किसी जानवर को, किसी अगर कुत्ते को भी आप काट देते हो, कुत्ते को मार देते हो, तो उसकी सजा के लिए भी प्रावधान है, कमीशन है, एक मिनट का वीडियो क्लिप भी आपको सजा दिला सकता है। लेकिन आदमी तो हर 7 मिनट बाद मर रहा, सुसाइड कर रहा, और एक साल में 96,000 सुसाइड, बल्कि यूं कह लें कि देश की ओर से, न्याय सिस्टम की ओर से, निजाम की ओर से किए गए कत्ल है, मर्डर है ये। और इन मर्डर की वजह से भी कोई नहीं बोल रहा कि मर्दों के साथ ज्यादती हो रही है, मर्द भी विक्टिम हो सकता है। तो आप लोग यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर है आज हैं, और ये पुरुष आयोग की मांग करते हुए आपको कई सालों से हो रखा है। हमने एक रैली भी निकाली थी जो कि जीटी रोड पर निकली थी, वो भी हमने पहले खबर की थी, लेकिन अभी तक आपको जो न्याय नहीं मिल रहा है उसका कारण क्या है? लोगों में भी जुर्म होते थे, उनको भी न्याय पाने में जो महिला आयोग बना बहुत टाइम लगा। अगर हम जल्दबाजी में होंगे, हमने ये सोचा कि मोदी जी का कानून बना दें, कम से कम मैं जल्दबाजी में नहीं हूँ। अच्छा, मुझे मालूम है कि समय लगेगा, मोदी जी की, जोगी जी की,
और हमारे कानून मंत्रालय की इन सबकी नजर है, हम पे नजर है, लेकिन वो जो रोल है कि महिलाओं का वोट जो है ना, जैसे उन्होंने महिला उसने महिलाओं के बारे में सोचा, ये पर महिलाओं के ऊपर जो होता था नजर नजर उनकी थी वहाँ पे। मोदी जी के साथ तो कोई महिला है नहीं, उन्हें क्या जरूरत है पुरुष आयोग की। गलत बात, मोदी जी की बचपन में शादी हुई थी, मोदी जी खुश नसीब थे, वो महिला खुश नसीब थे जिन्होंने आपस में अंडरस्टैंडिंग किया। आज वो महिला अपने ऊपर निर्भर है, मोदी जी पर निर्भर नहीं है। सरकारी नौकरी करी उसने, मोदी जी भी कहते हैं कि हम उन्हीं झूठी महिलाओं के खिलाफ लड़ रहे हैं जो पति से हमेशा कहती है पति पर डिपेंड है, हम पति पर डिपेंड है और हम झूठे केस करेंगे, वो उसके नाते हमारा ये हक है। एक हक के खिलाफ हम एक महिला की क्या मजबूरी होती है जो अपने पुरुष अपने पति के ऊपर केस करती है। आपने जो बोला ये मेरी बेटी है, वो मेरा बेटा है, इनकी माँ की कौन सी मजबूरी, हमारे घर में ना मम्मी है ना पापा है मेरे, इनकी क्या मजबूरी है? अच्छा बेटा इनकी क्या मजबूरी होगी, उन्हें रहना भाई के पास, उसकी बात ही है नहीं। 2013 उसके भाई की भाई मैंने सुसाइड कर लिया, उसने भाई के बच्चे पाले, अपने बच्चे छोड़ के भाई के बच्चे पाल दिए, क्योंकि हमने वापस लाना है। भाई तो शुरू से नहीं बनी, भाई तो शुरू से नहीं, लेकिन 97 में मेरी शादी हुई, 2013 तक जो चला मैं गलत था, पिछला मैंने नहीं था, जब 2013 में उन्होंने मेरी बेटी बात उठाया, ये तो मारते ही मारते थे, तो मैंने उनके खिलाफ शिकायत दी, कुछ शिकायत थी, उस शिकायत के बाद मैं यही कभी बन गया। पहली बार 2000 पहले 16 साल तक मेरे खिलाफ वोट शुरू में शिकायत थी, मैं यही मांगता शुरू में मांगता था, मेरी बेटी को मारेंगे तो मैं तो बगावत करूंगा, वो बगावत की इसलिए मैं दही लोगी बना, क्योंकि उनकी शर्तें नहीं मानी। लेकिन कानून कहता है, समाज कहता है, कानून में घोड़ानी के लिए आज भी मेरे सामने मेरे को 4000 रुपए का खर्चा लिखे दिया कि आप बच्चे आपके जो है बालिग हो गए, आज ये बालिग है। कानून कहता है कि हमारी जो बेटी है ना, मोदी जी भी कहते हैं हमारी बेटी 10 बेटों के बराबर है, एक बेटी जो है 10 बेटों के बराबर है, 11 साल की बेटी भाई को पाल सकती है, बाप को पाल सकती है, अपने आप को पाल सकती है, लेकिन 4 साल बाद जब वो 22 साल की शादी, ये इंसाफ नहीं करता, किसी को माफ नहीं करता, माफी से हर खून है। नहीं, भाई के पास ज्यादा पैसा है तो आप लोगों के पास नहीं है, तो इसीलिए नहीं आना चाहती। तो तुम्हारी मम्मी आप लोगों से प्यार नहीं करती, पैसे से प्यार करती है। आप लोग जाना चाहते हो अपनी मम्मी के पास? तो आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? बेसिकली मैं पुरुष आयोग की मांग को सपोर्ट करने आया हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि यहाँ पर पुरुष आयोग इंडिया में बने, क्योंकि मेरे ऊपर भी, मैं गुजरात में नौकरी करता था और मैं तब से अपनी वाइफ की और अपने ससुराल वालों की ओर से परेशान होकर मैं बार बार नौकरी लगाता हूँ। मैं एक प्राइवेट एम्प्लॉय था, सेल्स मैनेजर था, गुजरात में वर्किंग था, तो तब से मेरी शादी को 2 साल हुए हैं और मेरी 1 साल की बेटी भी है। मेरा ससुर और ससुराल पक्ष वाले ये चाहते हैं कि मेरी जो संपत्ति है वो सारी की सारी बेटी के नाम हो जाए, यानी उनकी बेटी के नाम हो जाए, मेरी वाइफ की। मेरे माता पिता सीनियर सिटीजन है, मेरा बड़ा भाई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इसलिए मेरे बड़े भाई में जिसका मेरे परिवार से कोई ताल्लुक नहीं है उसके ऊपर भी रेप का केस लगा है। मेरे पापा 15 सरकारी टीचर थे, उनके ऊपर भी जिसकी एज 68 ईयर है उसके ऊपर भी रेप का केस लगा है। तो यानी कि पुरुष आयोग